मगर ये मैच जो था हाथ में आके और निकल गया, और जब नई चीजें ठीक हो रही तो नई चीजें ठीक हो रही, किस्मत ने भी साथ नहीं दिया, वो वॉफ ने वो आउट दे रहे थे, वो टच एंड गो था, देखे वो भी एक तरह से बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो आउट लग रहा था और वो फिर एक वाइड दे दिया डाउन द लेग साइड, वो थाई को लग रहा था। So, यही बात है कि जब आपकी नहीं चल रही होती है तो नहीं चल रही, बस क्या कर सकते हैं। अब वही बात है कि खाना पूरी करनी है, जो कि हर टीम के लिए मुश्किल होता है। आपकी प्राइड हर्ट हुई है, फैंस हर्ट हुए हैं, आपने सही कहा, चलें फाइट तो की है बट फिर भी हार हार होती है। बिल्कुल सही है। एक पॉइंट पूछना चाहूंगा अरमीन भाई, ये जो लेजेंड्स की हम बात करते हैं या सुपरस्टार्स की बात करते हैं, तो आपके कई दफा होता है कि आपके अरेना में आगे पीछे जो लोग हैं ना वो एग्जाम्पल होते हैं। हमने देखा वार्नर की इनिंग्स, हमने देखा डीकॉक की इनिंग्स, हमने देखा कोहली की इनिंग्स या रोहित शर्मा की इनिंग्स। हमारे कप्तान किंग कोहली के मुकाबले में आते हैं, वो कहते हैं मैं किंग बाबर हूं, और वो जो ऐड भी करते हैं और वो जिस तरह बात करते हैं और कहते हैं जी मेरे से बड़ा कोई प्लेयर नहीं, मैं नंबर वन रैंक का प्लेयर हूं। ये 50 करके हर मैच में 40-50 करना, 60 पे आउट हो जाना जिसमें से 30-35 डॉट बॉल खेलना, ये दरमियान में टीम को छोड़ के चले जाना, ये किंग बाबर को कैसे देखते हैं आप? तो देखा होगा दोस्तों, इसका आंसर आप देखिए इस वीडियो में रमीज राजा किस तरह से दे रहे हैं, और यही चीज इनको आज तक लेकर डूबी है इस वर्ल्ड कप में। एक तरह से पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका से जिस तरह से मैच हारा है उससे बाहर हो गया है, लेकिन पाकिस्तानी दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में आज भी यही चूर्ण परोसा जा रहा है कि पाकिस्तान तीनों मैच जीत जाए और ऑस्ट्रेलिया सारे मैच हार जाए तो फिर भी हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। और भी दूसरी टीमों के बारे में दोस्तों, पाकिस्तानी यह ख्वाब देख रहे हैं कि सारी टीमें सारे मैच हार जाए, अकेला पाकिस्तान जीत जाए। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों ने अब हद कर दी है, वर्ल्ड कप से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। बाबर आजम घंटे की कोई भी बढ़िया परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में नहीं रही। आज भी उसने 50 लगाई लेकिन 66 बॉल खा गया, और पाकिस्तान ने डॉट बॉल खेलने का दोस्तों इस वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बना डाला है, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया में काफी तांडव मचाया जा रहा है। और बाबर आजम की अब इस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तानी मीडिया में ज्यादातर तो यही चल रहा है कि अब कप्तानी चली जाएगी, लेकिन रमीज राजा जैसे बाबर आजम घंटे के जो भी फैन है वह देखिए किस तरह की बातें करें। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो, इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए करते हैं। पूरी नेशन आज मेरा ख्याल है कि बहुत ही डिसअपॉइंट होगी, और जो फैंस हैं इसी से ये गेम उठती है, यही आपको हीरोज बनाती है। बट ऑब्वियसली चले, एक चीज पॉजिटिव है कि आज थोड़ी फाइट नजर आई, प्रीवियस मैचेस में तो कोई फाइट नजर नहीं है, बट बहुत सैड है कि हम कई एरियाज, कई ऐसी चीजें थी जो पाकिस्तानी टीम ने मिस्टेक की। लेकिन मैं खुश हूँ जिस टीम को मैं सपोर्ट करी थी वो जीत गई है। तो मैं राजा, अस्सलाम वालेकुम रमीश सर, कैसे हैं आप? मैं, मेरे आपको हेयर स्टाइल से पता चल रहा है ऐसा मैं ऑफ हूँ, ऐसे ही है पूरी देश से ऑफ है। हमें लगा आपने कोई स्पाइक्स बनाई हुई है शायद, आज कोई नया हेयर स्टाइल है शायद। मेरे जो स्पाइक्स है ना वो यहाँ से निकल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और रमीज भाई, आज के मैच के हवाले से अगर डिटेल में डिस्कशन करें तो अगेन बड़ा लंबा पलंदा खुल जाएगा और सारी चीजें डिस्कस करना पड़ेंगे। सबसे पहली चीज कि स्पिनर को हाथ से ना रीड करना, एक प्लेयर को आपने सी ऑफ करना था, चार पे आप अटैक करते, एक पे आप थोड़ा कोशिशली खेलते, तब्रेज शमसी तमनाई बन के गिरा हमारे पे जिस तरह आपने कहा था, और वही हुआ। और जिस तरह हमने देखा कि अगर हम बात करें गर्ल डिसीजन की, पहले कर लेते हैं खासतौर पर कि कितना और डिसीजन था कि इफ्तिखार को नंबर चार पे भेजना, आपको मालूम है कि उसको स्पिन नहीं खेलना आती और आपने खिलाया। फिर उसी तरह बाबर ने रिजम अपनी विकेट थ्रो की उन पर, फिर हमारी टेल मिडल ऑर्डर चले, शादाब और सुवर्ण अच्छी इनिंग्स खेली बट क्रूशल मोमेंट के ऊपर आके उन्होंने भी विकेट थ्रो की। ये सारा जो मामलात है बैटिंग के अंदर, और इसी तरह जो नवाज़ है ना वो बैटिंग में परफॉर्म करते हैं ना बॉलिंग में करते हैं, इसको ओवरऑल कैसे समराइज करना चाहेंगे कि हम इतनी बैटिंग विकेट के ऊपर भी पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाए? देखिए, अफसोस की बात है, इसलिए कि सिचुएशन तो बन गई थी। एक वक्त लग रहा था कि 325 पाकिस्तान करेगा, मगर जब आपको आइडिया नहीं है टेल को कि बैटिंग कैसे करनी है, एक साउथ अफ्रीका की टेल देख लें आप, मैच जितवा गए वो लोग बिल्कुल बेसिक बैटिंग से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की टेल को देखें मुंह उठा उठा के शॉटे मार रहे हैं, चाहे वो नवाज हो जाए चाहे वो आखिरी के बल्लेबाज हो जाए। सो आप देखें, अब कोई टेल एंडर्स रहे नहीं है इस गेम में, सारों को बैटिंग करनी है और सारों को सिचुएशन के हिसाब से ढालना है अपने आप को। 50-50 करके आउट हो रहे हैं, अगर आप 300 नहीं करेंगे तो आप जीत ही नहीं सकते हैं। ये तो साउथ अफ्रीका की टीम थी, रन चेज में फिर से उनको पैनिक अटैक हो गया,
नहीं तो कोई और टीम होती तो आराम से जीत गए होते। ठीक है, जोर लगाया पाकिस्तान ने एंड में, बट ये कलेक्टिव डिजास्टर है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं तेज खेलो, जब तेज खेलते हैं तो फिर आउट हो जाते हैं, तो फिर समझ नहीं आती है कि ये पुरानी अप्रोच के साथ भी जाते हैं तब भी फेल हो रहे हैं, नई अप्रोच जो है वो छोटे फेज में तड़का लगता है फिर भी आउट हो जाते हैं। सो स्पिन को मैंने ऐसी सब कॉन्टिनेंट टीम को इतनी मठी टीम नहीं देखी जो कि स्पिन को खेलती है। हमारा शुमार जो है ना वो वर्स्ट सब कॉन्टिनेंट की टीम्स में होगा, इफ वी आर नॉट द वर्स्ट एवर, क्योंकि ऐसे खेलते हैं जैसे कि कोई मतलब है बच्चों की तरह इनको ट्रीट कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट स्पिनर चाहे वो राइट आर्म हो चाहे वो लेफ्ट आर्म हो। तो ये ओवरऑल एक तरह से डिजास्टर था क्योंकि इतना करीब पहुंच गए। ठीक है, फाइट की क्रैम्प्स पड़ रहे थे, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग थी, मगर ये मैच जो था हाथ में आके और निकल गया। और जब नई चीजें ठीक हो रही तो नई चीजें ठीक हो रही, किस्मत ने भी साथ नहीं दिया, वो वॉफ ने वो आउट दे रहे थे, वो टच एंड गो था। देखें वो भी एक तरह से बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि वो आउट लग रहा था और वो फिर एक वाइड दे दिया डाउन द लेग साइड, वो थाई को लग रहा था। So, यही बात है कि जब आपकी नहीं चल रही होती है तो नहीं चल रही, बस क्या कर सकते हैं। अब वही बात है कि खाना पूरी करनी है जो कि हर टीम के लिए मुश्किल होता है। आपकी प्राइड हर्ट हुई है, फैंस हर्ट हुए हैं जी। आपने सही कहा, चलें फाइट तो की है बट फिर भी हार हार होती है। बिल्कुल सही है। एक पॉइंट पूछना चाहूंगा अरमीन भाई, ये जो लेजेंड्स की हम बात करते हैं या सुपरस्टार्स की बात करते हैं तो आपके कई दफा होता है कि आपके अरेना में आगे पीछे जो लोग हैं ना वो एग्जांपल होते हैं। हमने देखा वार्नर की इनिंग्स, हमने देखा डीकॉक की इनिंग्स, हमने देखा कोहली की इनिंग्स या रोहित शर्मा की इनिंग्स। हमारे कप्तान किंग कोहली के मुकाबले में आते हैं, वो कहते हैं मैं किंग बाबर हूं, और वो जो ऐड भी करते हैं और वो जिस तरह बात करते हैं और कहते हैं जी मेरे से बड़ा कोई प्लेयर नहीं, मैं नंबर वन रैंक का प्लेयर हूं। ये 50 करके हर मैच में 40-50 करना, 60 पे आउट हो जाना जिसमें से 30-35 डॉट बॉल खेलना, ये दरमियान में टीम को छोड़ के चले जाना, ये किंग बाबर को कैसे देखते हैं आप? और रिजवान भी किंग है हमारे माशाल्लाह। तारीफ कर रहे हैं, मैं क्या बात करूं मैं? Exactly किंग के। मतलब मेरे देखे पॉइंट ये कहने का है कि टेम्परमेंटल इश्यूज भी है ना, इसके ऊपर भी तवज्जो देनी है कि मोमेंट को सीज नहीं करते हैं। और वो इसलिए है कि एकदम से डरावना ख्वाब जैसे आ जाता है और ये कि अब क्या होगा, पैनिक, इफ्तिखार की शॉट पैनिक से भरी हुई। बाबर आजम स्वीप नहीं करते हैं, उनको स्वीप करवाई गई। इसी तरह से साउथ शकील गलत टाइम पे आउट, वो टर्निंग पॉइंट था, वहां पे वो खड़े रह जाते तो फिर और बात बन जानी थी। टेल एंडर्स को कोई आइडिया नहीं है बैटिंग का। शाहीन आफरीदी की शॉट आप देख लें या बाकियों की शॉट्स देख लें, आप नवाज की शॉट देख लें, मैं हैरान हूं कि उसको उस वक्त शॉट मारी है या शादाब ने उस वक्त शॉट मारी है जबकि जरूरत ही नहीं थी। गेम अवेयरनेस, ऑब्लिक टेम्परमेंट, ऑब्लिक क्वालिटी और पैनिक, ये होता है कि जब आप जीते ना हो तो आपको हर सिचुएशन टफ लगती है। सो ये एक बाबर आजम को लेके उसको रगड़ा देना मेरे ख्याल में ये भी ज्यादती है क्योंकि कप्तान उतना ही बड़ा होता है जितनी उसकी टीम होती है। तो लीड फ्रॉम द फ्रंट भी तो करना है रमेश भाई, उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट भी तो एग्जांपल कोट करनी है कि मैं चले मैं खड़ा हूं, आप नहीं कर पा रहे मैं करके दिखाता हूं, उनकी तरफ से भी कुछ नहीं आ रहा। नहीं देखो इरफान ने 3-4-50 किए हैं उसने, ठीक है गलत आउट हो रहा है, वो जीतते नहीं है तो प्रॉब्लम है ना, तो जीतते नहीं है तो उसको ही सारा ब्रंट फेस करना है, इसमें कोई शक नहीं है। कप्तान जो है ना उसके ऊपर जो बग है ना वो स्टॉप होता है, एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं। बट आपकी प्रॉब्लम ही यही है कि पूरी टीम जो है ना वो कलैप्सिबल है, उसमें कोई ऐसा शाइनिंग परफॉर्मर नहीं है, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, जिसने कि पकड़ा हो कि हाँ यार मैं 150 लगा दिया अब चलो आगे। एक श्रीलंका के गेस्ट मोमेंट आया था, आप देखें सारी टीम चली थी, ओपनर्स ने फाइट करके सेंचुरी लगा दी, फिर रिजवान अच्छा खेला, सो उसको एग्जांपल को आगे लेके जाना था। बट वर्ल्ड स्टेज बदल गया है, हमारी डीएनए ऑल्टरेशन की जरूरत है, बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। ये एक बंदे की फॉल्ट की वजह से पाकिस्तान यहाँ नहीं पहुंचा, ये कलेक्टिवली यहाँ पे हम पहुंचे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीश सर, और अब हमारी पूरी कौम ये जानना चाहती है कि क्या हमारी टीम सेमीफाइनल में जा पाएगी, क्या अभी भी कोई चांस है? बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमें आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। ये मैं आपको बाकी टीम से पता करके बताऊंगा क्योंकि आप एक महीना हो गया हमें मैच जीते हुए कुर्सियों में बैठ बैठ मैं तो ना परेशान हूँ कि वो ढोल वाले से हमने कमिटमेंट की है। ढोल वाले को मैं पैसे देके मैं माफी मांगता हूँ, हम तो मेरी प्लान है।
वैसे आज का मैच जीतना पागल हो चुके हैं, बहुत करीब पहुंच गए थे, आज का मैच जीतना चाहिए था एग्जैक्टली, और लग रहा था एक मोमेंट पे कि हम आज का मैच जीत जाएंगे एंड वी वर होपफुल एज वेल, लेकिन चलें बैट। दूसरा जो आपने बात की है कि साउथ अफ्रीका, मुझे तो ये बीटेबल टीम लग रही है, ये जो जिस तरह से आज ये खेले हैं, ये मैच कोई और टीम होती तो वो 8 विकेटों से जीत गई होती, क्योंकि पिच में तो कुछ भी नहीं था, ये तो प्रेशर में आके और बिल्कुल बकरी हो जाते हैं। तो ये और ये आगे चल के जो बड़े मुकाबले जब होंगे इनके, तो तब ये और ज्यादा एक्सपोज होंगे। मुझे नहीं लगता कि ये चैंपियन मटेरियल टीम है आज के बाद, तो खासतौर पर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक आई ओपनर था एक, क्योंकि ये सीधी सादी विन होनी थी, मगर चेज में तो बहुत ही घबराहटू टीम है ये। और पाकिस्तान का मैथमेटिकली मुझे नहीं पता कि क्या हाल है इस वक्त, कि कौन किसको जीतना है, किसको आगे आना है, पर 4 मैच ऑन द ट्रॉट हार के जो कि एक रिकॉर्ड है, उसके बाद टीम खड़ी होते होते चाहे वो अब तो यही बात है कि एक मैच किसी तरह से जीते ताकि थोड़ा सा हौसला आए, हिम्मत आए। अब तो हर टीम ऐसे लग रही है जैसे कि हम उससे हार सकते हैं, और कहीं अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 पे अगर आ गए तो फिर हमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी खेलना पड़ सकता है, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेटली चीज़ है। इजहार आपकी तरफ अगर आए हैं तो इसी चीज़ के हवाले से कि काफ़ी इसमें लूप आ रहे हैं, बट चेस के हवाले से बात करें तो साउथ अफ्रीकन के कैसा बैटर जो तो देखा होगा दोस्तों, पाकिस्तान की कोई भी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही है, लेकिन रमीज राजा आज भी बाबर आजम को डिपेंड करने में जुटे हुए हैं। यही बाबर आजम जब भारत के खिलाफ बैटिंग कर रहा था, बाबर आजम और मौलाना रिजवान मोहम्मद, तो किस तरह से हार्दिक पांड्या ने कहा था कि यह दोनों बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि यह मैच खुद ही हमें दे देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से हर मैच यह दूसरी टीम के पाले में डाल देते हैं, जिस तरह से अपने सेल्फिश पारियां खेलने के लिए या धीरे धीरे इनिंग खेलते हैं और जो जितनी बॉल जाया करते हैं उतने में पाकिस्तानी टीम पर काफ़ी प्रेशर बढ़ता है और आने वाले बैट्समैनों पर भी, जो फिर वाकर कोई भी ताबड़तोड़ रन नहीं बना पाता, रन बनाने का टाइम यह दोनों जाया कर देते हैं और पाकिस्तानी टीम उसका कामयाजा भुगतती है। और वैसे भी पाकिस्तानी क्रिकेट आज से 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रही है, अब मॉडर्न क्रिकेट पाकिस्तान के पास है नहीं, तो देखते हैं इस वर्ल्ड कप में आगे आने वाले 3-4 मुकाबले हैं उनमें बांग्लादेश से भी पाकिस्तान जीत पाता है कि नहीं। यह टीम की इस टीम के परफॉर्मेंस से तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि यह इस वर्ल्ड कप में और भी 4-3 मैच जितने भी बचे हैं या जीत पाएगी। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।